अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी सूरतहाल के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर तक मुल्क वापस आ जाएंगे और उसके बाद अपनी पार्टी की क्यादत को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में बैठकर संभालेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से जुनूबी पंजाब और सिंध में सियासी जलसों का भी आगाज़ कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जुनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, आज उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा मुल्तान में और मुजफ्फरगढ़ में। इस सवाल से भी आज हम आवाम से बात करेंगे और दूसरी जानब हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी जमातें एक बार फिर अब इलेक्शन कम्पेन में बाकायदे तौर पर अपने आप को फाल करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस हवाले से आवाम उनके बारे में क्या राय रखती है। आवाम सियासी जमातों के जो हालिया कुछ माह से हमने उनकी कारकर्दगी देखी, चंद सालों में जो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, उसके बारे में क्या राय रखती है, इस पर बात करेंगे। हम पहुँचे हम इस वक्त मौजूद हैं हरम गेट चौक पर, यहाँ बात करेंगे। क्या हाल हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह करम है। नवाज शरीफ गए थे नवंबर 2019 में लंदन, उनकी तबीयत हुई थी ख़राब और कहा था कि मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ लंदन। अब कहा यह जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। आपको लगता है कि मियां साहब वापस आएंगे और मुल्क अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे? ये इनके बस का कुछ नहीं है, सियासतदानों के बस का कुछ नहीं है। ये आपको सियासी जमातों से कोई तवक्को नहीं है? नहीं 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 सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया कह रहे ना 0 पॉइंट ऐसे हो गया है, तो दुनिया हद तक यहाँ तक गिर गई है, तो लोग भीख मांगने, अच्छे अच्छे बंदे भीख मांग रहे हैं। आपने गुफ्तगु जानी, हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हाँ भाई रक्षा ड्राइवर मुझे उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 21 अक्टूबर को वापस मुल्क आ जाऊँगा। घर करें जी, अभी क्या करें, मैं संभालूंगा क्यादत तवाम की। सर हम इससे रजे पड़े हैं नवाज शरीफ से, जो चोर है तो बाहर गया, नहीं तो क्या करता, अगर सही होता तो इधर रहता सर। बीमार था, बीमार तो उधर तो जाके जाचियाँ कर रहे हैं, इलाज करा लिया, आप वापस ही जी आ जाएगा तो अल्लाह करेगा सही है, हमारे क्या कर रहे हैं। कौम तारीखी इस्तकबाल करेगी, हम इसका कोई इस्तकबाल नहीं करेंगे, हमारी जान छोड़ो तुम बस। आप गुफ्तगू जाए, हम जरा आगे चल लेते हैं, गौर से बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब ने कहा है, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने, 21 अक्टूबर को आऊँगा मुल्क और कौम की क्यादत संभालूंगा, आवाम इलेक्शन को भी लीड करूँगा, और क्या समझते हैं इस्तकबाल के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए जी, इस्तकबाल तो उनका किया जाता है जो ना उम्मीद हो के पता ही नहीं है कि ये आएंगे भी या नहीं। उन्होंने तो आना था, आज नहीं तो कल आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मैंने ये 23 साल के अंदर ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसने पेट्रोल वापसी पे लेके आया और गरीब बंदे की पैरवी की हो। पिछली हुकूमत में आए हैं, पेट्रोल कहाँ था, कहाँ लेके आए हैं, सारी अशिया ज़रूरत कहाँ से कहाँ नीचे आई, लेकिन नहीं रहने दिया, वो नहीं रहे, या उनकी गलती या कुछ क्रैप लोग। मियाँ साहब को आना चाहिए, मेरे नज़र में तो आना चाहिए, क्योंकि पहली हुकूमत ऐसी देखी है जिनकी हुकूमत में पहली हुकूमत बेहतर रही है, वापस आई है हर चीज़, जो कि सबका हुकूमत छोड़ के गई थी ना जितनी, उससे वापस कदम पेशरफ्ती हुई थी, डॉलर भी नहीं थी। साहब की हुकूमत बरहल नवाज शरीफ की हुकूमत तो हमने देखी है, बेहतर नज़र आई है। नवाज शरीफ को आना चाहिए, वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत बेहतर रही है, उन्होंने बेहतर संभाला इनका इनकी ये राय। हम ज़रा आगे चलते हैं, आवाम की मुख्तलिफ राय है, हम इस हवाले से सबकी राय आपके सामने रख रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं, और वो एक और यहाँ पर एक शख्स बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आएंगे, कौम अपनी पार्टी को संभालेंगे, वहाँ से पीपल पार्टी ने भी अपनी कंपेन शुरू कर दी है, क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी उनकी पार्टी के लिए और आवाम के लिए कितनी बेहतर साबित होगी? बहुत अच्छी है, वापस आना चाहिए, महंगाई बहुत है मुल्क च, नवाज शरीफ आवे मुल्क नु संभाले, सही सिमत लेके जावे, उन्होंने नहीं समझाई, तो बाकी नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है, साडा साबका वजीर आजम भी है, उन्होंने आना चाहिए, पाकिस्तान को संभालना चाहिए। आप उनको वेलकम करने के तैयार? वेलकम वेलकम इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेलकम करेंगे, हम वेलकम करेंगे, ये तैयार बैठे हैं मियां नवाज शरीफ को वेलकम। एक और भाई मौजूद है, भजन क्या हाल है आप? वालेकुम दोस्त सर, आप सुनाओ। वालेकुम सलाम, कैसे चले काम? अल्लाह पाक का शुक्र है। नवाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को वापस आऊँगा मुल्क में,
कितना यकीन है आएंगे और क्या लगता है कि उनके आने से किस हद तक बेहतरी आएगी? अभी तक तो कोई हालात नहीं है सर, अभी तो कोई अभी हर बंदा परेशान है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह पाक कर दे, करम कर दे, कर दे, नहीं तो हालात नहीं है। साहब कहते हैं कि मैं आके संभालूंगा, क़यादत करूंगा और अगर आवाम ने मौका दिया है 5 साल का तो फिर हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। जी इंशाल्लाह ऐसी हो जाए, अल्लाह करे आ जाए तो ऐसी हो जाए, हाँ इंशाल्लाह ऐसे हो जाए। आपकी तवक्को है? अल्लाह करे इंशाल्लाह जी। आप सुने मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को कह रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, कितनी तवक्को है कि वो बेहतरी ले सके, अगर आए आते हैं तो ला सकेंगे? बहुत अच्छी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह वो। ठीक है, वो हमारे दिलों की धड़कन है, वो आपके दिलों की धड़कन है। 4 साल से तो लंदन में थे, आप कहते हैं कि मैं वापस आकर कौम की क़यादत संभालूंगा, तो आपको यकीन है इस बात पर? हाँ जी है, हमें यकीन। हमारे दिलों की धड़कन है, हम ज़रा इनसे बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके, आप बात कर लें, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक है, बात करें आज हम सियासी जमातों के हवाले से। पीपल पार्टी ने कंपेन शुरू की हुई है इलेक्शन की, मियाँ साहब ने कहा है कि 21 अक्टूबर को आ जाऊंगा पाकिस्तान और आवाम को लीड करूंगा, क्या लगता है किस तरह से वो बेहतरी आ सकती है अगर वो आते हैं तो? इलेक्शन तो कोई हल नहीं है, अगर इलेक्शन हल होते तो 5 साल बाद तब्दीली आ जाती, इन सब का एहतसाब होना चाहिए, सब का एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। इदारे तो मौजूद हैं, फिर कहाँ कैसे एहतसाब हो ऐसे? इनसे जो असल चीज़ है, जिस नारे पर इमरान खान आया था कि लूटी हुई रकम वापस लाऊँगा, करप्शन जिन्होंने किया उनसे लूटी हुई रकम वापस आए ना, अदालतों कचहरियों में जाते रहे चक्कर, लूटी हुई रकम तो 1 रुपये भी वापस नहीं आया। फोरम तो वही है ना अदालत का, कोई खुद से तो ऐसे अभी ये कह रहे हैं इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन किस चीज़ का हल नहीं है, इनसे पहले इनका एहतसाब हो, इलेक्शन को साइड पर रखा जाए, इनका एहतसाब हो। एहतसाब के नाम पर जिस सिलसिला चलता रहेगा तो फिर इस पर यकीन कौन करेगा, क्योंकि जब एहतसाब तो तभी बेहतर हो सकता है कि जब वो तो अदालती निज़ाम ही आपके सामने है, फिर आपको कुछ तवक्को नहीं है ना अदालतों से तवक्को है ना सियासतदानों से तवक्को। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। मियां साहब कह रहे हैं 21 को आ जाऊंगा वापस, 21 अक्टूबर को, क्या लगता है उनके आने से किस हद तक वो बेहतर कर पाएंगे हालात को? देखो ये हालात उसी सूरत में होंगे जब तक एहतसाब नहीं होगा। ठीक है, एहतसाब होगा तो होगा सिलसिला, ये फर्क ख़त्म होना चाहिए ताकि एहतसाब होना चाहिए सही मायने में, हकीकतन अदालतों को सही इंसाफ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती नहीं, कानून का एहतराम होना चाहिए। कानून का एहतराम तो है नहीं, कानून की बालादस्ती तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती, तो हम यही चाहते हैं कि जो कंट्रोल हो हर चीज़ पर, हर चीज़ पे कंट्रोल हो। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप तो खिदमत कार्ड के लिए फिर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में अंडा भी 5 रुपये का था, गैस भी 80 रुपये किलो था, और खिदमत सेहत कार्ड में मियाँ साहब ने 7 लाख का बनाया था, तो खान साहब ने उसमें से 3.5 लाख काट के 3.5 लाख का बनाया। इनके दौर में लोगों को, गरीबों को बहुत तहफ़ था। शहबाज शरीफ के दौर में तो अंडा 5 रुपए का हुआ है, अंडा तो मियां नवाज शरीफ का कहा, मैंने मियां शहबाज शरीफ का पूछ रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब को बता। ये तो इनकी हुकूमत जो आई थी ना, ये तो एक टेम्परेरी थी, ये उसमें रेट बढ़ाने में इनका कमीशन नहीं था, कमीशन खान साहब ने खा रहा, गैस में भी कमीशन, अंडे में भी कमीशन, बिस्कुट में भी कमीशन, समझ गए? बाकी रह गए हुक्मरान, अगर हमारे इसी तरह कर्जा लेते रह गए ना, हाँ। तो हमारे मुल्क की करेंसी का और वैल्यू बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप बताएं जी। हम ये कहते हैं जो इस टाइम पे जो है ना काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बिजली चोरों को जो है ना पकड़ रहे हैं, ये चीनी चोरों को, ये जितने भी है ना माफिया को, सबको हाथ जो है ना डालें, ईमान से सारा काम जो है ना सही हो जाएगा जवान साहब। ये बुनियादी चीज़ें हमारी जो है ना सस्ती होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। महंगाई जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, कारोबार हो, आमदन हो, हाँ आमदनी हो, महंगाई नहीं कुछ कहती, हम ये कहना चाहते हैं सर। वो सही हो नहीं, वो सही फरमा रहे हैं जी, वो कह रहे हैं महंगाई जितनी मर्जी, महंगाई कह रहे हैं जितनी मर्जी हो, वो आप कह रहे हैं ना बिजली जो है, आप कहते आप ये फरमा रहे हो ना बिजली जितनी मर्जी महंगी हो, बिजली क्यों हो? महंगाई मैंने कहा है, महंगाई घर में खाने को दाने नहीं है, लोग भीख मांग रहे हैं, लोगों के अखराजात पूरे नहीं होते, ये बिजली चोरों को 30,000 रुपये का बिल आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा? जिसके 5-7 बच्चे मकान किराए का, वो कैसे पूरा करेगा अपना सर? बताएं आप, हकीकत है या नहीं है बताओ? ये तो हकीकत है। देखो ना चीनी 200 रुपये किलो है, आपके सामने ही है ना आटा, डेढ़ 160 पे नहीं आ गई, नहीं 160 रुपये किलो आटा बिक रहा है इस टाइम, सफेद आटा भी 160 रुपये आई है सरकार, 160 रुपये गरीब आदमी नहीं ले सकता, 160 रुपये की अगर एक पाउल आएगा 50 रुपए की है, 1 किलो लेके 160 रुपए की है,
क्या बनता 50 से बनता है? आप खुद देखें। अब वो कह रहे हैं मियां साहब, कह रहे हैं 21 को आऊँगा वापस, नवाज शरीफ कह रहे हैं, तो पहले भी वो आए थे, क्या लगता है कि संभाल लेंगे कौम को या खाली बातें हैं? तो जी अल्लाह जानता है जी, वो जानता है जी, रब जानता है। बात तो प्राइम मिनिस्टर बनाया भी अल्लाह जानता है, आपको लोगों नहीं समझ अभी तक। यार लोग तो आवाम तो वैसे ही परेशान है अपनी महंगाई से, अपने हालात से डाउन है, बिजली के बिल पे करे या अपने घर के अखराजात करे, ये बच्चों को पेट पाले। बताओ तारीखी इस्तकबाल करेंगे मियाँ साहब का नून लिखने का है? करेंगे जी, कह रहे हैं करते। आप जाएंगे? मैं तो जाता ही नहीं किसी इस्तकबाल किसी करने के लिए। सियासी जमातों के पास? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हम क्लियर हैं बिल्कुल। गरीब आदमी सबसे बड़ी सियासत जो है ना, वो अपने घर की है, अपने पेट की है सबसे बड़ी सियासत। सियासतदान क्या देता है किसको? सियासतदान क्या देता है किसको? क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह का शुक्र। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं, बिलावल ने दौरे शुरू कर दिए हैं जनूबी पंजाब के और सिंध के, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, तो क्या इरादा है आवाम की खिदमत का फिर दावा लेके तमाम सियासी जमातें मैदान में आ रही हैं? ये हमारे को तो वो बंदा चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए सही हो, ठीक है, जो महंगाई कम करे, जो जो भी आ रहा है ना अपना ही पेट भर रहा है। यहाँ आवाम बिल के लिए रो रही है, आटे के लिए रो रही है, हर चीज़ के लिए रो रही है। ये दावे तो मरियम नवाज ने भी किए थे, खान साहब सब ने किए हैं दावे, कुछ उतरा कोई नहीं मियार पे। आवाम की उम्मीदों में कोई नहीं उतरा पूरा। नहीं, ये जो आते ना अपने दावे करते हैं, काम नहीं करते। खजाना खाली होता है। खजाना खाली कौन करता है? आवाम करती है। आवाम को आवाम पे खर्च करते हैं हम। आवाम पे क्या खर्च किया मुझे बताओ? खिदमत नहीं जी, कोई खिदमत नहीं करते, यही खाते हैं, जो खाते हैं अपने प्रॉपर्टी बनाते हैं गैर मुल्कों में, सब कुछ यही करते हैं। आपके जो हुकूमतें रही हैं ना, जो सबका 5 साल में 2 हुकूमतें रही हैं, एक ने कहा कि रात को नींद नहीं आती आवाम का सोच के जाग जाता हूँ, दूसरे ने कहा कि कपड़े बेचने को तैयार हूँ, आपके लिए इतनी फिक्र है आपकी, वो तो बेचारे इतनी खिदमत में आपके लिए सरगर्दा हैं और आप मानते नहीं हैं। कहने का ये मकसद है कि खान साहब जब बैठे तो इन्होंने दावा किया था हम महंगाई कम करेंगे, मुझे बताएं कब की इन्होंने महंगाई कम? महंगाई बढ़ी है कम, तो डॉलर कहाँ छोड़ के गए थे, 150 पे पेट्रोल था तो समझो कि आटा 80-90 रुपये था, अब कहाँ पहुँचा हुआ है, हर चीज़ तो महंगी है। वादे पूरे नहीं हुए? नहीं, हमें तो वो चाहे हमारी तरफ से कोई भी आए कि मुल्क के लिए अच्छा हो, जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा हो, ये आवाम की राय आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरतहाल के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, अब उनकी वापसी के हवाले से एक बार फिर तारीख दी गई है 21 अक्टूबर की। दूसरी जाने पीपल पार्टी ने भी अपने जो इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है, जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी सर्वाइवल में है। ज़रा हम पहुँचे हैं आवाम के पास, इस वक्त यहाँ पर लोग बैठे हैं एक माचे पे और चाय भी पी रहे हैं और आपस में गपशप भी लगा रहे हैं। ज़रा उनसे हाल अहवाल जानते हैं, जो अवामी रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि अब हम वापस अवाम में आना चाह रहे हैं, तो ये जो आम लोग हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं और वो इन अवामी रहनुमाओं को किस अंदाज में वेलकम करेंगे, ज़रा इनसे जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायदे हैं, वो कहा गया है कि वो 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आ जाएंगे तकरीबन 4 साल के बाद, क्या समझते हैं उनके आने के बाद कोई सियासत बेहतर हो जाएगी, क्या जो मुल्क की खिदमत का उनका दावा है वो पूरा हो जाएगा? क्या करने आएंगे पाकिस्तान में? वो तो कहते हैं पाकिस्तान हमारा है ही नहीं, वो बीमार होते हैं वो लंदन जाते हैं, उनकी टांग का दर्द होता है वो लंदन जाते हैं। अब शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म करके वो डायरेक्ट मेरी तबीयत ख़राब हुई मैं लंदन जा रहा हूँ, उनको तो वो तो पाकिस्तान के डॉक्टरों को भी अच्छा नहीं समझते, ना पाकिस्तान के अस्पतालों को अच्छा समझते हैं, ना उन्होंने आज तक बेहतरी की है, वो लूट नहीं आ रहे हैं हमें। कहते हैं उनकी बीमारी का इलाज लंदन में था, यहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ पर उनका एक जो तिब्बी माहिर है वहीं पर था, इस वजह से वो लंदन में गए। और यहाँ भी तो बन सकते हैं, ये बना सकते थे, यहाँ क्यों नहीं बनाया? अब खान की वालदा को कैंसर वो बीमारी हुई, उन्होंने अस्पताल बना दिए यहाँ और बहुत कुछ बना दिया है, जैसे उन्होंने लंगर खाने खोल लिए गरीब के लिए, बहुत कुछ बनाया, हम तो कहते हैं खान ही आए और ये क्या करेगा आगे? यहाँ खिदमत करूँगा, जहाँ से खिदमत का सफ़र रुका था वहीं से दोबारा आगाज़ करूँगा। ये अपने कपड़े बेचने नहीं, हमारे कपड़े बेचने आ रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं करने आ रहे हैं। आप बताइएगा, आप चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं, पहले ये बताएं चाय का कप कितने का हो गया? 60 रुपए का जी। पहले कितने का था? पहले 10 रुपए था, 20 रुपए था।
दस बीस रुपए का, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं आप, साल डेढ़ साल पहले की बात करें ना, त्री रुपए का हूँ साठ रुपए, दो आज कीमत ज्यादा थी, साठ रुपए पे चला गया। अब मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस पाकिस्तान कौम की क्यादत करने, वाला सीधा थी वैसी खर्चा करके नहीं आना पिया। जब मेरी हुकूमत थी, वो कहते हैं जब मेरी हुकूमत थी चीज़ें सस्ती थी, कैसे सस्ती है, इनायत लिखी हुई महंगी थी, ये इनायत लिखे ये लिख के गए तो महंगे थे, जेड़ा लिख के बेंदे महंगे हूँ खागे वो लिख के गए, इन्हें विरा ने महंगी की थी, इन्होंने आगे सस्ती करनी। हाँ कोई तो उम्मीद हो, कोई तवक्को ना तू, उन्होंने कोई तवक्को कह नहीं नहीं है इनको, हम जरा आगे चल लेते हैं। यहाँ भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का एहसान है। मियां साहब आ रहे हैं 21 को, बिलावल साहब, बिलावल ने भी जलसे शुरू किए हुए हैं, जमात इस्लामी ने भी शुरू किए हुए हैं, अब सियासी जमातों ने हल्की फुल्की ढोलकी बजाना शुरू कर दी है, क्या लगते हैं, क्या लगता है कि आवाम की जो खिदमत का दावा लेके वो निकलते हैं कौन पूरा करेगा आवाम खिदमत का दावा? ये कोई भी आए मुल्क के लिए, अच्छा खैर खां आए, अच्छा सोचे मुल्क के लिए, आवाम को खुशहाली दे, रिलीज दे, आवाम बड़ी परेशान हो गई है, खाना आया उनने सब चांद चराए हैं, जो भी आता है मुल्क के लिए खाना खराब ही करता, खाता हर बंदा ही है, लेकिन आवाम के बारे में सोचे बात। तो मियां साहब कहते हैं मैं तो आवाम के बारे में सोचता हूँ, बाकी भी यही कहते सर, पहले भी आए थे सोचा था इन्होंने, सही था रेट कम थे, लेकिन फिर ये जो नवा मुँह आता है वो नवा चेहरा दिखाता है, नवा मुल्क के लिए सोचता है, ये नवा पाकिस्तान बनाया देख लो, 200 रुपये किलो चीनी हो गई है, 40 रुपए का कप था, 60 रुपए का चाय का कप है, आवाम तो पीने है, जिसे आदत है उनने तो पीनी है, महंगाई का मुकाबला, रोजगार है नहीं क्या महंगाई करेगा, ठीक है रोजगार तो दे ना ये आके। वैसे तो आप सुने क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। मियां साहब रहे हैं कुछ 3 बार वज़ीर आज़म, फिर हो गए बीमार, चले गए लंदन, अब वो कह रहे हैं कि कौम की क्यादत दोबारा संभालने के लिए वापस आएंगे 21 अक्टूबर को, कैसे इस्तकबाल करे कौम उनका? कैसे ऐसे करेंगे जैसे महंगे महंगाई है, हाँ ऐसे करेंगे, बल हार ही पवाएंगे, है फूलों के हार पहनाएंगे, फूलों के पवाएंगे बस 15,000 जनिए 500 रुपये रोजी रोजी, तो वो 1,000 रुपये खर्चा है उनके घर का, तो वो बिल भरे कितू खावे दसाओ, कितू खावे कितू बच्चे ना पेट पाले, मेरी 500-700 कमा 50,000 बिल है पे, ठीक है उन्हें खराजात की तो पूरे करें, यो करे सी हम से सारे, ओके मेरे को वो करियो 5 साल दा, मैं पूरी कोशिश कर सा, कोई नहीं करना, उनका बिरा कार नहीं किया, एक कितनी बैठा, एक कितनी बैठा है, तो उनका बंदा जे को 3 महीने वास्ते बला के गए, बटर लेके के दे के गए, तो उन्हें के किते हर चीज बधाइए था, उन्हें कुछ ही नहीं, तो कुछ चंगाई दी उम्मीद को नहीं, कोई नहीं साकु बिल्कुल कह नहीं मेरे मान। अब मुल्क का सीधा हल है यही, खान को लाया जाए और ओवरसी पाकिस्तान डॉलर भेजें हमारे मुल्क में, हमारे साथ यही तावान है, और हम और ये खान जो कहते हैं ना हम यहूदियों से कर्जा नहीं लेना चाहते और हम मुसलमानों से लेंगे, ये हक की बात है, हम मुसलमान से ले सकते हैं और यहूदियों से नहीं ले सकते, और जो ओवरसी पाकिस्तानी है और खान ये आएगा और ये कहेगा वो पैसा भेजेंगे, हमारी मदद यही चाहिए हमें बस, इनको उम्मीद है। आप सुने जी जी आप बताएं, डैम नहीं बना सके, डैम तो बनावे डैम उसी तक काम थी सी, डैम उसी तक फसल थी सन, डैम ना उसी तक कितू अनाज पैदा थी सी, एक डैम क्या करे सी मोल करे, एक डैम तो कुछ नहीं कर सकता, डैम एक ही नहीं, एक डैम है 4 सूबे च, 8 डैम होने चाहिए पाकिस्तान में, तो आवाम कमा सी ना तो कितू खा सी, डैम दे खर्चा थी मैंने अगर सिल्ला लगने कोई इवें तो नहीं मटीरियल लगने, ये तो सारा हड़प कर मैंने तो अमेरिका लुट मैंने इन्ना को बल कितू खर्च करे सन, डैम बने ता कोई बेहतरी आसी, डैम बने तो वल खुशहाल, व नहर थी वे सन, पानी समंदर च वेंदा पे सारा, पीवण को मिलता नहीं, समंदर भरींदा पे, समंदर साग बलदा पीसू खारा पानी, ईरान ईरान देंदे कितू तोड़ी आई पेल लैन क्यों नहीं गिंदे, क्या वजह पाबंदियां लगी हुई हैं अमेरिका दियां, अमेरिका दी क्यों कोई इंडे पाबंद है ना, ना इंडे पाबंद है मुआहदे ना आर्मी मुआहदे ही में उन्हें पाबंदी, चाइना दें दे ईरान दें दे सब कोई दें, आसा गुलाम साकु गुलाम इन्होंने बनाया गए साकु बेचा गए
ਸਾਕ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਨੇ ਵੇਖ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਵਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰੇ ਰੇ ਕਰੇ ਕਿਆ ਬੰਗਾ ਪਹਿਲੇ 500 चार महीने ठीक है घर वेले हैं चार 500 कमावन वाले बंदे हैं 5-5 हज़ार 30-30 हज़ार का बिल आया वे कितू भरू खाऊं बिल भरू कितू करूं मियां नवाज शरीफ को फुल ही पवाऊं को वोट ही दूं वाल महंगी शाही नाल खाऊं जलील ही नाल ती रोड़ा दे वेले ही फिरूं कोई सोचन अच्छी सोचन बेहतर सोचन तारीख को 21 अक्टूबर को आंदा पे तुम्हारे वास्ते तुम्हारी क्या दस संभालन ओ आवे पहले रे यो अट्टा चीनी घीउ इयो इनाय दे बारे सोचे बड़ी हुकूमत रे सु ता सोचे सी ओ दे 5 साल हुकूमत रो पहले कोई नहीं देई नहीं सकदे आवाम मरदी है आवाम किदे बने अडन फड़क दी वदी है बई फड़क सी आवाम आपने गुफ्तगू जानी हम जरा जनाब सुनाए नवाज शरीफ का आप पूछ रहे हो ना 21 सितंबर को 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को चीज दसी गया खान गया इसकी बीमारी भी गई तो सोचने वाले को तो ये चाहिए ना सारा बात कि नवाज शरीफ क्यों आ रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि मैनेज करके दिया जा रहा है उसको रास्ता क्लियर है सारा कुछ समझदार ये सब समझदार हैं इनको पता लगा तमाम मुकदमात का सामना करेंगे करेंगे शरीफ पे एतमाद करना चाहिए हमें होना चाहिए ना किसी को गलत नहीं कहना चाहिए ना फिर अब बीमारी ख़त्म अब खान ख़त्म इनकी बीमारी भी ख़त्म इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिर डील करते रहें आगे पाकिस्तान को चलाते रहें समझदार बने आप सुने क्या हाल है आपके दुआ भाई क्या करते हैं आप मैं मजदूरी करता हूँ आज लगी है मजदूरी पूरे 3 महीने हो गए मजदूरी लगी नहीं रही 3 महीने से वेले बैठे हैं 20 हज़ार का बिल आ गया काम काज भी नहीं है बिल भी ज्यादा आ गया ऐसे ही है जी तो अब क्या सोचा है क्या करने का इरादा आने वाले दिनों में काम शाम इस टाइम तो लोग एक दूसरे को मारने में लगे पड़े हैं इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो सकता कहते हैं नून लीग ने कहा है मायूस ना हो मियां साहब 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आ रहे हैं कौम की क्यादत संभालेंगे वही अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेके जाएंगे मुल्क को कहा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ महंगाई पे महंगाई करी उन्होंने नया पाकिस्तान बनाया था नहीं नया तो खान साहब ने बनाया था ये इन्होंने भी कहा था इन्होंने रोशन पाकिस्तान कहा था लेकिन वो रोशन नहीं हुआ वो अंधेरे में चला गया लाइटें चली गई भाई आप सुनाएं जी हम क्या सुनाएंगे नई दाजी यही है कि जलील हो रहे हैं मजदूरी है नहीं हैं खर्चा कमाते 500 हैं खर्चा 1000 रुपये का हो जाता है अब थोड़ी सी चीज़ लेके जा रहे हैं ये 1000 रुपये लग गया बताओ कहाँ से लाएं खाने को है नहीं इतने इतने बिल आ रहे हैं पिछले महीने 23 हज़ार का बिल आ गया अब 22 यूनिट्स कम है तो 24,400 बिल 1000 रुपये बिल भेज दिया इन्होंने 24,400 रुपये का क्या है जी भरो जी से 2 दिन के सारी म्याद देते हैं अब कहाँ से लाए आदमी इतने पैसे कहाँ से लाए किससे मांगे कोई नहीं देता आजकल के दौर में अब भाई भाई को नहीं देता ए भाई ये बिजली की वजह से भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं भाई मेरे मुसलमान हैं मुसलमान ये सारे मुसलमान हैं ये सारे चोर हैं यहाँ पे कोई अच्छा नहीं आया जो भी है अवाम कुछ नहीं कर रहा मियां साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ साहब क्या करेगा उन्होंने कहा जी वो वजीर हमारा अपना बन रहा है काट के रख देंगे काट तो दिया हमारे और क्या कहते काटेंगे बताओ हमारा गर्दन तो उतार दिया मजदूर कमा रहा है ये ऐश कर रहे हैं अमेरिका में इनकी कोठियाँ बन रही हैं लंदन में बन रही हैं हम कहाँ जाएंगे अवाम के बारे किसी ने सोचा है जब से हुकूमत बनी है कोई नहीं आया अवाम के बारे में भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अवाम डुल रही है वो ऐश कर रहे हैं कोई आए जब यहाँ पे वोट होते हैं ना सारे आ जाते हैं हम खड़े होते हम दो दो हाथों से सलाम करते हैं जब बन जाते हैं वो ये नहीं पूछते भाई तुम क्या कर रहे हो मर रहे हो कि जी रहे हो जब बनने के लिए फिर खड़े आ जाते हैं हाँ भाई जान हम आए हुए हैं भाई हमारे बारे में कुछ सोचेंगे ना मजदूर आदमी सारे टक्के टक्के की मजदूरी करते हैं हैं इनके बारे में कुछ नहीं डैम बनाओ डैम कैसे डैम बनाएंगे जो भी आता है लूट के चला जाता है खजाना खाली है खजाना खाली है अब वोट लेने आए इनसे स्टाम्प लिखवाएंगे बस हाँ मुल्क के बाद स्टाम्प 5 साल के लिख के दो नवाज शरीफ अच्छे हैं हम किसी को गलत नहीं कह रहे नवाज शरीफ आप कह रहे हो ना हुकूमत नहीं मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ मुल्क की क्यादत संभालें तो मैं आपसे पूछूं कि आपको यकीन है कि मियां साहब हालात बेहतर कर लेंगे यकीन है हमें लिख के दे दें बस 5 साल के लिख के ले देंगे महंगाई नहीं होगी बस वोट इनका जो मर्जी आए
अब तो सारी आवाम इकट्ठा होकर लिखवाए इनसे। ऐसी है जो हालात भाई बता रहे हैं भाई जान, ये तो जालिम लोग हैं, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। कहते हम खादिम लोग हैं आपके। खादिम ना, खादिम होते तो भाग जाते उधर, कमाल करते हो आप, समझदार हो। बीमार हो गए थे, बीमार सब बीमार ऐसे बहाने होते हैं, डॉलर मिल जाते हैं गे, गरीब आदमी बिल्कुल पीछा पड़ा है। और किसके मकान किराए पे है, तो किराया भरेंगे तो बिल भरेंगे, इतने इतने बिल ठोकी खड़े हैं, ठोकी खड़े हैं। ख्याल करें, गरीब आदमी की ख्याल करें। अब जो भी आता है अपना सोचता चला जाता है, जो भी आता है अपना सोच के चला जाता है, ये गलत बात है। गरीब आवाम वास्ते सोचो, गरीब आदमी कहाँ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जरदारी ख़ानदान जो है, इनकी तबीयत ख़राब होती है, ये दुबई जाते हैं इलाज कराने के लिए। ये इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे मुल्क में हुक्मरानी की है, इन्होंने ना कोई हस्पताल बनाया है, ये अपना इलाज ही यहाँ नहीं कर सकते, हमें क्या ये सहूलत देंगे। ये ज़िंदगी भर इन्होंने अपना इलाज ही नहीं किया और हमें क्या सहूलत देंगे। चलो कैंसर अफगानिस्तान से लोग आते थे कैंसर अस्पताल में, और पता नहीं ईरान से पता नहीं कहाँ कहाँ से आते थे कैंसर अस्पताल में, जो शौकत खान इन्होंने बनाया इमरान खान साहब ने, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते थे। 8 करोड़ पे ही घड़ी बेचने वाला, जो 4 करोड़ पे हुकूमत के खजाने में जमा करवाया वो जेल में पड़ा है, जिन्हों जिनको अरबों रुपये की करप्शन है वो अगले खुले फिर रहे हैं। हम अपनी पाक फौज से ये अपील करते हैं, हम आपके साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद, आप चोरों को पकड़ें। आप चोरों को सामने आ रही है गुफ्तगू, हम आखिर में एक दो लोगों से बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? सही हाल है सर। क्या करते हैं आप? मैं तुम रेडी में कचहरी में होते हैं। आजकल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मुल्क की, तो क्या लगता है कितनी बेहतरी की तवक्को है आपको? बेहतरी आवाम खुद ही करेगी, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, जो भी आएगा सारे खाने को आएंगे। आवाम ऐसे फिर क्या करे? आवाम बाहर निकलेगी तो जब आने से उन्हें पता चले हुकूमत को क्या होता है। आवाम को बाहर निकलवाने के लिए मजबूर करते हैं वो लोग, वो कहते हैं आवाम घर में क्यों बैठी है, बाहर निकले, रोडों पर पड़ी रहे, भूखी पड़ी रहे, प्यासी पड़ी रहे, रोडों पर आए, घर के अंदर ना बैठे वो। हाँ जी, भुट्टू के दौर के अंदर थोड़ा बात होती थी, आवाम रोड पर आती थी, सारा काम हो जाता था। अब कोई काम नहीं होता, क्यों? आवाम को अपने खाने से परवाह नहीं है, फिक्र नहीं होती रोड पे क्या आएगी, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। जिसके ऐसी लगा हुआ है, इनके गवर्नमेंट के दारे हैं, उनके बिल है 5,000 रुपये का, गरीब बंदे बिल है 1,00,000 रुपये का, कहाँ तरह भरे बंदा। आइए मीटर कटवा देंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, फिर पर्चे होंगे, बात ही है। ये आपने गुफ्तगू जानी और आपके सामने आया रद्देअमल आवाम का, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है और सियासी जमातों से उन्हें कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमने आवाम की राय ली, हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पर मौजूदा हालात के बारे में और हमारी सियासी जमातों के बयानात के बारे में आवाम की राय ले रहे हैं। ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का करम। नून लीग कह रही है कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आके कौम की क़यादत संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसों का आगाज़ कर दिया है, जमात इस्लामी ने भी कर दिया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त अपनी सर्वाइवल में लगी हुई है। क्या लगता है हमारी सियासी जमातों के लीडरान बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है, अवाम की खिदमत का जज्बा कितना है? अवाम की खिदमत का जज्बा ज़ीरो है। पहले एहतसाब, पहले रिकवरी, पहले वसूली, पहले हर चीज़ मामलात अपनी जगह पर आएँ, उसके बाद कोई इलेक्शन या फिर सिलेक्शन या फिर जो भी होना है। साहब 21 को आना है, आएँ, लेकिन आके पहले क्या करते हैं, सामना करें कानून का, अदालतों का, मेरिट पर इंसाफ चाहिए सबको, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे मियां साहब हैं, चाहे कोई है। आज़ादाना एहतसाब हो, आज़ादाना फैसले हों, जो जुडिशली आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी से फैसले करे तो फिर तो है, नहीं तो पाकिस्तान का कुछ नहीं है। एहतसाब सबसे अहम है, सबसे अहम है। एहतसाब के दावे तो हमने मुशर्रफ के दौर में भी देखे, मियां नवाज शरीफ साहब 98 में थे, उस वक्त भी एहतसाब का नारा लगाया गया था, खान साहब ने भी एक एहतसाब का अमल शुरू किया, अब काकर साहब के दौर में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एहतसाब का अमल रुक जाता है, 2-4 महीने बाद ब्रेक लग जाती है, फिर वही वापस सारे आ जाते हैं। वो इसलिए कि करने नहीं देते ना, एहतसाब तो होने नहीं देते, इन लोगों को सजाएं दें और जिसको जो है ना मुल्ज़िम उसे सख्त से सख्त सजा, उसे नाहल और उसे एंड मौत। सख्त एहतसाब, 400-500 बंदा आप बड़ा मार दें, पकड़ लें, उनको सजाए मौत दे दें, अगर पाकिस्तान अपनी जगह पर ना आए तो मुझे पकड़ लें आगे, मुझे सरेआम गोली मार। लेकिन वो किसी को मारने से, लटकाने से तो मसाइल का हल नहीं है। को मारना चाहिए,
बुराई को जब तक आप जड़ से नहीं उखाड़ेंगे काम नहीं बनेगा। जमात का होना भी लाजमी है, जब अवामी हुकूमत ही नहीं होगी, जब इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो एक निगरान हुकूमत जिसके पास 3 महीने का मैंडेट है वो कैसे किसी को लटका सकती है। आप देखो लियाकत अली खान के बाद कौन सी जमहूरियत आई है, कौन सी हुकूमत ऐसी आई है जिसने आवाम की उमंगों के मुताबिक काम किया हो या आवाम को रिलीव। सब ने नारे ही दिए हैं, सब ने दिखाया है भाई अगले साल मैं यूँ करूँगा, अगले साल मैं यूँ करूँगा। मियाँ खान साहब भुट्टो साहब आए, उन्होंने कहा था दाल उन्हें उठा उठा के महंगी थी, दलतों में भी देखो 100 कितने रुपये किलो महंगी हो गई दाल, 1 रुपये कितनी महंगी, अब वही दाल 600 रुपये किलो मिल रही है। अब भुट्टो साहब के बंदे नहीं हैं, अब वो सारे हैं नहीं, लेकिन काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वही चीज़ आए लियाकत अली खान के बाद का तरीकाकार अपना लें, उसके बाद आ जाएँ फिर करें आके, चाहे कोई आए कोई पार्टी आए, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम आवाम के साथ हैं, हमारा भी जीना मरना इस मुल्क के साथ है, लेकिन हमें पहले अपना बेहतर मुल्क मुस्तकबिल चाहिए। दावे नारे खोखले बाजी ए मैं बड़ा तो तू छोटा, ये चीज़ नहीं, ये नहीं चलेगी, अब बिल्कुल नहीं चलेगी। पहले इत्तेसाब होना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि इत्तेसाब पर यकीन कौन करेगा जहाँ पर। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत है, सही चल रहे हैं काम? बिल्कुल जी जी। अभी मियाँ साहब ने कहा 21 अक्टूबर को कौम की बागडोर संभालने आऊँगा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम मैदान में आ चुके हैं, इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। जमात इस्लामी कह रही है कि अवाम हम पे एतमाद करें, और खान साहब की तरीके इंसाफ तो फिलहाल सुकून से बैठी है। तो क्या समझते हैं ये जो दावे आ रहे हैं अवाम की खिदमत के, कितना यकीन है आपको इन पर? हमको सर इसके बिल्कुल यकीन नहीं है, ये तो जब बनेंगे तो पता चलेगा ना, हर बंदा तो वादा करता है। बनाएंगे तो आवाम ना, आवाम वोट देंगे तो ये मुंतखब होंगे। बिल्कुल सर जी, अभी क्या पता आवाम किसके साथ है। आप लोग किसके साथ हैं? मैं तो, मेरा तो घर मियाँ वाली है, इधर को हूँ ना। अच्छा, मियाँ वाली कहाँ पे? मैं मियाँ वाली शहर में। मियाँ वाली शहर में चलें, ठीक है। हमारी तो दुआएं कि जो भी आए अच्छा हो, आवाम के लिए अच्छा हो। ठीक है जी, जी हाँ जी, बहुत मेहरबानी। ये गुफ्तगू आपने जानी, वो कह रहे हैं कि हमारी दुआ है कि जो भी आए वो आवाम के लिए बेहतर है। हम सर आगे बात करते हैं, क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहे हैं काम? काम अभी मंदे है, मंदे चल रहे हैं। क्या ऐसा हुआ, क्यों काम लोग सेल नहीं हो रही? सेल नहीं हो रही अभी, अभी बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही। ये देखो माल बच्चा पड़ा है। बेचते क्या आप? डोली रोटी है, मीठी रोटी। डोली रोटी जहाँ मुल्तान की सबसे बेस्ट बेहतरीन जायके वाली रोटी होती है। बिल्कुल जायके वाली है, अच्छी है, अच्छी है। तो लोग क्या कहते हैं खरीदते हुए? खरीदते हुए वो कहते हैं ये अच्छी है, बहरहाल अभी दुकानदारी नहीं हो रही, पैसे नहीं है कि हम ये चीज़ें खाएँ। हाँ पैसे नहीं है, सेल नहीं है ये चीज़। डोली रोटी फरोख्त करते हैं। ये बताइएगा कि अभी फिर इलेक्शन का माहौल सजने वाला है, नून लीग के मियां साहब भी कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं वापस, बिलावल भुट्टो भी मुल्तान आए हुए हैं, बाकी तो ये सियासी लीडर आके वादे करते हैं आवाम से, कितना यकीन है आपको? हमें तो कोई यकीन नहीं है, इतनी महंगाई की हुई है उन्होंने तो हमें तो इतबार नहीं है उनके ऊपर। अब कोई ऐसा बंदा है जो नेक जो अच्छा कैसे आएगा? आप लोगों ने मुंतखब करना है ना, आपने ढूंढना है, सबने ढूंढना है कि कौन बेहतर है। ये देखो ना हमारा तो काम नहीं है ना, ये हम तो मजदूर आदमी है। वोट देना तो आपका है, लीडर बनाना, लीडर को मुंतखब करके असेंबली पहुंचाना तो आवाम का काम है। आवाम का काम तो है, ठीक कह रहे हो आप, मगर ये काम हमारा नहीं है, ये आप लोगों का काम है। ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है ये, हम जरा क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम? काम की ना पूछो जी, बस मजदार नहीं चलेगा। नहीं जी बात बन ही नहीं रही। बेहतरी की तवक्को? बेहतरी की तवक्को मुश्किल है, मेरा रबी कोई मेहरबानी कर दे तो वो एक अलग बात है। मियाँ साहब आ रहे हैं 21 को संभालने, मुल्क की क्यादत आवाम को लीड करने के। भाई क्या करके गया? कहते हैं मैंने खिदमत की है। क्या खिदमत करके गया? वो देख रहे हो वो खान से बड़ा वो निकला, क्या वो क्या करके गया? मैंने पूरी कोशिश की, पूरी दुनिया से आपके लिए पैसे भी मांगे, अपने कपड़े बेचने का भी नारा लगाया, और मैं क्या करता, जो मुल्क के पास खजाना था उसमें मैंने कोशिश की है। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, लाइन के बस का है कुछ भी नहीं है। फिर कौन संभाले आके? बस मेरा रब ही अपनी करम नवाजी करेगा तो एक अलग बात है, वरना इनके बस का कुछ नहीं है। ये इस मुल्क में जो ये सियासतदान करप्शन छोड़ दें ना तो ये मुल्क सुधर जाएगा। जो लोग भी सरकारी मराहत ले रहे हैं ये इनसे वापस ले जाए, जबकि गरीब मुल्क है, एक वजीर आता है उसके साथ 100 पुलिस वाले होते हैं, उसकी तनख्वाह कौन देता है? आवाम के टैक्स के पैसों से। तो फिर ये ख़त्म नहीं कर सकते? जान को खतरा होता है, सिक्योरिटी लाजमी है। गरीब आदमी को उसको खतरा नहीं है, इनको ज़्यादा खतरा है। क्यों खतरा है इनको? क्योंकि इनके दिल में चोर है।
यकीन नहीं है इन पे? हाँ, नो ना ना, अब हमारे जैसे जहाँ मर्जी बेफिक्र होके फिर सकता है, हमें कोई खतरा नहीं है, इनको क्यों खतरा है? मुखलिस आदमी है, कोई भी हो मुखलिस आदमी, आप मुखलिस आदमी, आपने किसी से कुछ नहीं देना देना, आप जहाँ मर्जी बेफिक्र होके जा सकते हो। बाहर के मुल्कों में देख लो, वहाँ का वजीर आजम साइकिल पे फिरता है। स्कूटी नहीं लेनी चाहिए? नहीं, इनको नहीं। जी, आपने गुफ्तगु जानी लोगों का जो रद्देअमल आया कहीं पर, लोग इस फैसले को, मुस्लिम लीग नून के जो हमने लोगों से बात की, कारकुनान भी मिले, आम शहर भी मिले, उनका ये कहना था कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो ये बेहतर होगा हमारी सियासत के लिए। लेकिन दूसरी जानब लोग इस बात पर भी तनकीद करते हुए दिखाई दिए कि हमारी सियासी जमातों ने अवाम को मायूस किया, अवाम के साथ मुश्किल टाइम में खड़े होने का वादा किया जाता है, लेकिन जब ये अवाम पर मुश्किल वक्त आता है तो हमारे हुक्मरान जहाज़ में बैठकर बैरूनी ममालिक पहुँच जाते हैं और अवाम को अपने हाल पर छोड़ देते हैं, जिस पर अवाम काफ़ी ज़्यादा नलाम भी दिखाई दी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।